रेनो ट्राइबर एक यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की कार है जो कि क्विड के एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, लेकिन इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है एनकैप में। टोटल 4 वेरियंट्स में आती है, RXE, RXL, RXT और RXZ। प्राइस की बात करें तो 5,48,000 से लेकर 7,95,000 के प्राइस में वेरी करती है। पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही इसमें अवेलेबल है। इसके प्रॉज एंड कॉन्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 72 BHP की पावर जनरेट करता है 96 Nm टॉर्क के साथ में। इसके यदि प्रैक्टिकल प्रॉज बताऊँ मैं आप, तो इस गाड़ी का स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी सही है। इसमें आपको 2 ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं और यदि आप थर्ड रो सीट को फोल्ड कर देते हैं तो 625 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। काफ़ी सही मिलता है इस सेगमेंट में। रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी है। सस्पेंशन इसके ठीक है। 182 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और इसका बूट के बारे में आपको बता ही दिया, यानी कि 625 लीटर बूट यूज़ करने के बाद भी आप इसमें 5 पैसेंजर आसानी से ट्रेवल कर सकते हो। सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ABS, 2 एयरबैग्स, यदि टॉप एंड वेरियंट तक जाते हो 4 एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन, सीट बेल्ट रिमाइंडर। और फीचर्स की बात करें तो प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स, रियर डिफोगर, सेकेंड थर्ड रो में स्प्लिट सीट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाती है, सेकंड और थर्ड रो में AC वेंट्स मिल जाते हैं, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यानी कि आप अपने जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को इसमें ठंडा रख सकते हैं। यदि इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, यानी कि इसमें आपको कोई भी डीजल या फिर CNG इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल पेट्रोल में ही आती है। यानी कि 7 सीटर कार है, यदि आप 7 जने इसमें बैठ कर ट्रेवल करेंगे तो माइलेज काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, फिर आपकी जेब पे भारी पड़ जाती है। काफ़ी अंडर पावर है ये गाड़ी, क्योंकि इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि स्पेशली घाटियों पर आपको काफ़ी निराश करने वाला है। यदि आप नॉर्मल सिटी ड्राइविंग या फिर नॉर्मल हाईवे ड्राइविंग करते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको इतना फील ना हो, बाकी घाटियों पर आपको बहुत फील होगा। नॉइजी इंजन है, फुल लोड होने पर माइलेज काफ़ी गिर जाता है। इसके साथ ही ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, और टॉप मॉडल में भी जाते हो तो आपको इसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ना ही स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलता है। तो इस गाड़ी के प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स हुए। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।